हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूरोन। तो आज हम लोग आ चुके हैं यूरोलॉजिस्ट ऑन एयर में और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही मशहूर चिकित्सक यूरोलॉजिस्ट से। तो इससे पहले कि मैं इनसे कोई भी बातचीत शुरू करूं, मैं चाहूंगी सर आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा, आई एम ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, प्रेजेंटली पोस्टेड इन PMCH और मैं अभी यूरोलॉजी के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा, स्टोन के बारे में। यस सर, तो किडनी स्टोन के बारे में जैसा कि आपने कहा कि आप बताने जा रहे हैं, तो किडनी स्टोन से रिलेटेड मैं कुछ डाउट्स हैं जो हमारे पेशेंट्स की ओर से आते हैं, वही डाउट्स रखना चाहूंगी। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग केस ऑफ किडनी स्टोन दैट यू हैव डेल्ट विद एंड हाउ डिड यू रिमूव द पेशेंट स्टोन। मैं ये जानना चाहूंगी कि किडनी स्टोन की जो अब तक की सबसे जटिल समस्या है, जो आपके प्रैक्टिस में आपको देखने को मिली, उसके बारे में पेशेंट्स को बताया और आपने इसको कैसे संभाला। सही बात है, आजकल जो किडनी स्टोन का हम लोग इलाज करते हैं वो पेशेंट को दूरबीन से करते हैं। तो दूरबीन से जो करते हैं दैट इज नोन एज PCNL मेथड। एक पेशेंट आया था जो यंग लड़की थी, हार्डली 17 ईयर्स ऑफ एज, और उसका किडनी में पूरा पत्थर भरा हुआ था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस और उसको जो हम लोगों ने दूरबीन से 3 पंक्चर करके निकाला था एंड दैट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर द पेशेंट, क्योंकि यंग लड़की यहाँ बिहार में रहती है, दे डोंट वॉन्ट ए स्कार, शादी भी उसकी नहीं हुई थी। तो वी हैव मेथड कि डिफिकल्ट किडनी स्टोन जो है कैसे उसको हम लोग मैनेज करें, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड। ओके सर, सो वन मोर क्वेश्चन एडिंग टू दिस, what do you think is going to be the next breakthrough in the kidney stone domain? kidney stone ka jo kshetra hai usme bahut hi bada change kya hone wala hai uske bare mein bataye। kidney stone ka to abhi filhal stabilize kar gaya hai, jo ek jo stone ko jo hai sabse important hai ki bina patient ke sharir par touch kiye hue jo patient ka todne ka hai, that is the greatest breakthrough, that is known as ESWL। to wo hamara 1 cm ya 1.5 cm ka jo bhi stone hota hai उसके लिए हम लोग के पास मशीन है, दैट इज ए कॉस्टली मशीन। उस मशीन से हम लोग बिना चीरा लगाए, नॉट ए सिंगल इंसिजन को, बिना इंसिजन के वो हम लोग पत्थर उसका हट जाता है। कभी कभी 2-3 सीटिंग करना पड़ता है, एक सीटिंग में नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द स्टोन। ओके सर, सो माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नंबर ऑफ केसेस ऑफ किडनी स्टोन आर ऑन राइज, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। किडनी स्टोन का जो है बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ती है, इवन इन यंग, आई हैव सीन पेशेंट अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, उनके पेशाब की थैली में स्टोन नजर आता है। आई हैव सीन पेशेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज, उनको किडनी स्टोन नजर आता है। ये जो बढ़ते जा रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का पानी कम पीना। अगर ये स्टोन शुरू होता है बनना माइन्यूट क्रिस्टल से, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप अगर पानी पीते हैं एडिक्वेट मात्रा में, मैं बोलता हूँ कि 3 लीटर पानी आप पीते हैं तो आपका स्टोन खुद निकल जाता है। दैट इज़ द वन फैक्टर विच इम्पॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर जो है ये किडनी जो है ये आपको स्टोन का जो सोलिबिलिटी है वो जो डिपेंड करता है। तो ये क्रिस्टल्स रहते हैं आपका शरीर में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कोई कोई पेशेंट जो है किडनी का प्रोन होता है बनने के, उनको किडनी स्टोन के वो फैक्टर नहीं रहते इसलिए बार बार बन जाते हैं जो उसको रोकते हैं, तो वो दैट इज ए हेरिडिटरी प्रॉब्लम। अब उस हेरिडिटरी फैक्टर का उपाय यही है कि आप पानी पीजिएगा तो आप निकल जाएगा, और यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द किडनी स्टोन, क्योंकि अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो ये किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगा और आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे खास बातचीत की और अपना कीमती वक्त निकाला, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस मीटिंग। यू आर फ्रॉम दिल्ली? नो सर, आई एम फ्रॉम पटना। जो प्रॉपर ना